हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आ गया और वीडियो लेकर आप सबके सामने। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, इसके अंदर बातचीत करेंगे हम कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी आपकी कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके इसी चीज़ को लेकर कि किस तरह का होना चाहिए हमारा एक टेस्ट सीरीज़ को लेकर, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने को लेकर, टेस्ट सीरीज़ को परचेज करने को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारे क्वेरीज उठते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वही बातचीत करेंगे कि कौन सा आपके लिए टेस्ट सीरीज बेटर होगा, टेस्ट सीरीज को सॉल्व कैसे करना है और टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के बाद क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने रूटीन में, अपने काम में, अपने क्या क्या एक्शंस लेने हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी बात करेंगे हम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं आप, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं, चाहे वो मिडिली हो चाहे वो एस अकेडमी हो, बट देखना आप जरूर। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा था, किसी भी टेस्ट सीरीज को ले सकते हो आप अगर आपको लगता है कि उसका पैटर्न आपके गेट के एग्ज़ाम से मैच कर रहा है। मैंने अपने टाइम पे एस अकेडमी का लिया हुआ था, ठीक है ना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा एस अकेडमी की टेस्ट सीरीज, बट यस मैंने लिया था, मेरे लिए बेनिफिशियल रहा था। आप देख सकते हैं आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा, ठीक है। बाकी हर एक टेस्ट सीरीज का एक कॉमन पैटर्न होता है कि पहले वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बनाते हैं, पहला उनका रहता है क्वेश्चन सारा रहता है, उसके बाद वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज रहता है उनका, उसके बाद रहता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये उनका पैटर्न है, आप देखोगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज का शेड्यूल खोलोगे ना तो आपको मिलेगा देखने को कि पहले आता है वहाँ का जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होता है, दूसरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज आप डे वन से स्टार्ट कर दो, जिस दिन से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है ना वो पढ़ाई के साथ साथ करते जाओ अभी से आप, जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक फिनिश करते जाओगे आप, टॉपिक जैसे टॉपिक फिनिश होगा तो धीरे धीरे सब्जेक्ट भी फिनिश होता जाएगा, सब्जेक्ट फिनिश होता गया उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर वो अटेम्प्ट करना शुरू करो आप, ठीक है। टॉपिक वाइज फिनिश हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज फिनिश हो जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको 15 अक्टूबर से पहले ख़त्म करना है, 15 से 20 अक्टूबर के पहले आपको सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज निपटा देने हैं जितने हैं आपके। तो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, पहली वो जो अपेयरिंग है जो कॉलेज के साथ अभी गेट देने वाले हैं इस साल, उनके लिए इतना टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत नहीं है इतना हैवी, ठीक है। आप प्रिपरेशन करो अपनी, रिविजन वगैरह सब कुछ करो, जितना आपसे टेस्ट सीरीज हो सकेगा उतना आप करना, लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप सारे देना, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज दे सकते हो तो देना, टॉपिक वाइज आप दे सकते हो तो देना, अदरवाइज ना दे पाओ टाइम अगर ना हो पा रहा आपके साथ, क्योंकि कॉलेज के सेमेस्टर वगैरह भी रहेंगे आपके, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो छोड़ देना कोई बात नहीं, लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट सारे के सारे देना टेस्ट सीरीज के आप। वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट करेगा कि आप एग्जाम में अपियर होने से पहले आप कहीं पे और अपियर हो चुके हो जहाँ पे आपने सेम पैटर्न के सेम क्वेश्चंस सेम टाइमिंग में सॉल्व करे हैं आपने, ठीक है। अब जो लोग ड्रॉप करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ जो कॉलेज पास आउट हैं, पास आउट होके अब सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, उनके लिए एडवाइस ये रहेगी कि आप पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, एक पूरा फुल टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। अगर समय बचता है तो दूसरा टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर एक टेस्ट सीरीज भी इनफ रहेगा आपके लिए। हाँ अगर अफोर्ड कर सकते हो आप तो जितना अधिक क्वेश्चन के प्रैक्टिस हो जाते हैं वो बेटर रहता है आपके लिए। तो मैं यही कहूँगा कि टेस्ट सीरीज आप फुल लेना, परचेज करना, जो ड्रॉप आउट लेकर पढ़ रहे हैं आप वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, अक्टूबर से पहले तक सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ख़त्म कर देना, 15 से 20 अक्टूबर के बाद सिर्फ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही देना है, रिवीजन प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अक्टूबर का आधा महीना, नवंबर और दिसंबर पूरा करना है आपको, ठीक है। मतलब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जो फुल ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो फुल ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ घर बैठ कर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अक्टूबर से पहले तक उनका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, और उनका सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद नवंबर दिसंबर और आगे के जो कितना दिन बचेगा आपका, उस पूरे दिन में सिर्फ आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो और रिवीजन करो, जितना अधिक होता है रिवीजन करो, कंसेप्ट फॉर्मूला रिवाइज करो, कंसेप्ट को रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज दो। आपका सारा पूरा काम जो नवंबर दिसंबर होना चाहिए
यही होना चाहिए कि आप इस पर फोकस करो पूरा का पूरा, ठीक है। मेन हमारा फोकस वहाँ पर यह रहेगा कि हम पूरा का पूरा इस पर जोर लगाएं। और ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि इतना समय सिर्फ टेस्ट सीरीज देंगे कैसे देंगे हम, तो मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको टॉप करना है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में टॉप करने का सोच रहे हो ना, तो टॉप रैंकिंग लाने के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा कि आप आपके सब कुछ कंठस्थ हो जाए, सब कुछ कंठस्थ हो जाए वहाँ से सब कुछ आपके पास, ठीक है। तो मेरा पूरा कहने का मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो आपका अक्टूबर एंड तक ख़त्म हो जाना चाहिए थ्रोली, पूरा का पूरा। जो लोग घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा वन ईयर ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ये पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए अपना टेस्ट सीरीज का अक्टूबर के एंड से पहले, ठीक है। अब नवंबर दिसंबर और बाकी के बचे हुए जो दिन हैं आपके, वो आपको यूज़ करना है सिर्फ रिवीजन में, कंसेप्ट का रिवाइज़ करो, फार्मूला रिवाइज़ करो, और जितना हो सकता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट सारा के सारा दो। अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं दो टेस्ट सीरीज, तो दो टेस्ट सीरीज प्रस्तुत कर लेना आप, और दोनों के फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं फोर्स नहीं कर रहा आपको, आप एक टेस्ट सीरीज का ही अपना फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, ठीक है। ये हो गई अटेम्प्ट करने की बात। अब अटेम्प्ट करने के बाद हमें एक्शन क्या लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज दिया हमने, हमें 50 मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, एग्ज़ाम के नज़दीक आ चुका हूँ मैं, और मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा प्रिपरेशन सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, पहली या तो हमने गलत टेस्ट सीरीज पर परचेज कर रखी है, जो हमारे हमने प्रिपरेशन कर रखा है गेट के अकॉर्डिंग, कोचिंग में पढ़ाया मैं गेट के अकॉर्डिंग, जब टेस्ट सीरीज हमारे सामने आया तो वो कुछ और ही बना के रख दिया उन्होंने, ठीक है। अब गेट के क्वेश्चन का पैटर्न और ईएससी के क्वेश्चन का पैटर्न सेम नहीं है, या इसरो के क्वेश्चन का पैटर्न सेम नहीं है, या बार्क के क्वेश्चन का पैटर्न सेम नहीं है इनके साथ। तो अगर आपके क्वेश्चन का पैटर्न आपके एग्जाम के पैटर्न से मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके नंबर कम आ रहे हों, स्कोर कम आ रहे हों, ठीक है, पहली चीज़ वो। दूसरी हो सकती है कि आपने अभी तक अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया अपना, आपको अपने प्रिपरेशन पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो ये दो रीज़न हो सकते हैं, या तो टेस्ट सीरीज गलत उठाया आपने जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है, दूसरा या तो आपके प्रिपरेशन अभी वीक है, उस पर और काम करने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें ही हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता है यहाँ पर, या तो हम वीक है या फिर टेस्ट सीरीज मजबूत है, दो चीज़ें ही हो सकती है ना, या तो हम कमज़ोर या तो वो मजबूत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, टेस्ट सीरीज उठाइए अपने हिसाब से देख कर कि कौन सा टेस्ट सीरीज फिट बैठता है गेट के एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, कौन टीचर क्या कहता है, कौन सा कोचिंग क्या कहता है, सब बातें रहने दीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग ना, आप अब मैच्योर हो चुके हो, आपकी एज 22-23 साल की आपकी एज है, गेट अटेम्प्ट कर रहे हो आप, तो आपको इतना सेलेक्ट करना आ जाना चाहिए अब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आप, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज देखो आप, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं वो देखो आप, और एनालाइज करो कि कौन सा प्रॉपर फिट बैठ रहा है आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कर लोगे आप, और इतना जो मैंने बताया आपको अक्टूबर से पहले अटेम्प्ट करना है वो पोर्शन, अक्टूबर के बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। अब ये सारा कुछ बता दिया, अब इसके अंदर है कि देने के बाद करना क्या है, कैसे देना है उसको। तो जब भी देने बैठो आप, वर्चुअल कैलकुलेटर साथ में रखना है, ठीक है। कभी भी वो वाला कैलकुलेटर मत यूज़ करना जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, हमेशा वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना है, रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है उसको। ये नहीं कि एग्ज़ाम में देख लेंगे यहाँ पे तो कर लेते हैं ये वाले कैलकुलेटर से, बिल्कुल गलत तरीका है वो। आप अपने आप को एनालाइज़ नहीं कर पाओगे कितना समय आपको लग रहा है, कितना समय आपको जा रहा है। तो जब भी करना है आपको, तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है, ये आप ठान के रख लो, मान के रख लो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपनी गलती कर रहे हो, एग्ज़ाम के अंदर फंसोगे, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, फंसोगे, क्योंकि हम फंस चुके हैं पहले, हम देख चुके हैं, सारा कुछ झेल चुके हैं। ये जो बता रहा हूँ मैं आपको ना, ये आप बीती बता रहा हूँ, ये मैं झेल चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो जब भी सॉल्व करना है वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ठीक है। और एक गलती टेस्ट सीरीज जो सबसे बड़ी होती है वो बताने जा रहा हूँ मैं, हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसका सोल्यूशन देख के सोल्यूशन को समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि सबसे गलत तरीका है टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का। इंप्रूवमेंट आया क्या आपके अंदर? कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया। आपने क्वेश्चन जो आपसे बन गया बना लिया, जो नहीं बना आपने उसका आंसर देख के आप समझ गए कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे था ना, बस हो गया। ऐसे नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपसे बन गया वो तो बहुत बढ़िया, अब उसके अंदर स्ट्रांग हो, आपने बना लिया वो क्वेश्चन। जहाँ पे नहीं बना ना, उस देखो कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से वो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है वहाँ पे। अब उस चैप्टर का नाम लिखो या टॉपिक का नाम लिखो उसको, और उस टॉपिक को जाके टेक्स्ट बुक में ढूंढो, कहीं और नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक में ढूंढो जाके आप, और टेक्स्ट बुक में ढूंढो जाके वो पोर्शन पे, उस टॉपिक पे, उस फॉर्मूला पे, उस चैप्टर में,
उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं बने हुए सॉल्व और अनसॉल्व, उनको एक बार गो थ्रू करो आप। अपने कमियों को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि उस कमी पे ही ज़्यादा काम कर लें हम। जहाँ पे वीक है ना, उस पे 10 मिनट 15 मिनट अधिक देख के, आधा घंटा एक घंटा दो घंटा अधिक देख के उसको सॉलिड कर लें हम। धीरे धीरे जितने वॉइड्स हैं, जहाँ गैप है ना, वो फिल होता जाएगा ना, तो आप एक सॉलिड रैंकर बनकर निकलोगे वहाँ से। रैंकर अपने आप को चमत्कार से नहीं बन जाता कि एग्जाम में जाके दोगे, आपने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन भिड़ जाएगा तो आप टॉप कर जाओगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा होना होता तो पहली बार में कर चुके टॉप हम लोग होते, ऐसा नहीं होता ना। धीरे धीरे अपने आपने देखा होगा जो रेलवे बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, जो जो नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन करते हैं जॉब की, उनको देखना आपकी, उनको चार चार पाँच पाँच साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि हर एक गैप को फुलफिल करता है वो, हर एक गैप पे काम करता है वो। पहले साल जो काम करता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ निकल के आती है, फिर उस पर काम करता है, फिर उसमें कुछ गलतियाँ निकल के आती हैं, फिर करता है, फिर कुछ गलतियाँ निकल के आती हैं। धीरे धीरे जब सारी गलतियाँ पे वो काम कर लेता है ना, फिर वो हर तरह से सॉलिड हो जाता है, हर तरह से मजबूत, उसका GS इंग्लिश सब स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद वो जिस एग्जाम में बैठता है, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो ना, सबका सब निकाल लेता है वो। तो उसका रीज़न बस इतना ही है कि अपने गैप्स को फुलफिल करते जाओ। तो मेरा पूरा कहने का होल पर्पस ये है कि हमें अपने वीकनेस पे काम करना है। वीकनेस को छोड़ के अगर आगे बढ़ जाएंगे ना, तो हम नहीं तरक्की कर सकते। अपने गैप्स को, अपने वीकनेसेस पे काम कर करके ही हम एज अ रैंकर निकल सकते हैं टॉप होकर। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ ना, कि जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता कि डिफरेंस क्या है मेरे में और सामने वाले में। वो जो बंदा IIT NIT से पढ़कर आया है या ICSE बोर्ड से पढ़ के आया है, मैं स्टेट गवर्नमेंट का हूँ, छोटे से प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, जो कॉलेज का भी पता भी नहीं है बंद है कि चालू है, वो शायद वो कॉलेज बंद भी हो गया होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो वैसे कॉलेज से जब हम पढ़ के हम जब कर सकते हैं, तो उसमें मुझे लगता था कि क्या एक्स्ट्रा उनके पास है, क्या एक्स्ट्रा टैलेंट उनके पास है कि वो कर पा रहे हैं, हम मैं नहीं कर पा रहा। मेरे मार्क्स 26-27 आ रहे हैं, उनके मार्क्स 80-94, कुछ कुछ तो 94 ले आ रहे हैं। 2015 में एक टॉपर था जिसका 94 मार्क्स आया था गेट के अंदर, और हमारे 26-27 में अटक रहे थे। तो कुछ तो गलती हमें है ना, इतना तो ख़राब नहीं हो सकते किसी का 94 आ जाए और हमारे 50 भी ना आ रहे, तो कुछ तो गलती हमारे अंदर है ना। तो वीकनेस तो हमारे अंदर है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और वो लोग 94 स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब स्कोरेबल मार्क्स है, वहाँ पे 94 स्कोर किया जा सकता है तभी स्कोर कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, मतलब हमारी गलती है वो। और गलती क्यों है? क्योंकि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं सिर्फ, और पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अपने जो वीकनेस है उस पर काम नहीं कर रहे। मैं शुरू से हर एक वीडियो के अंदर बोलता आ रहा हूँ और बोलता रहूँगा कि हमेशा अपने वीकनेस पे काम कीजिए। तो मूल मंत्र यही है कि अपने टेस्ट सीरीज़ को इस तरह से सॉल्व करना है कि सारे जो आपके क्वेश्चन हैं जो छूट रहे हैं, अनसॉल्व हो रहे हैं, आपसे बन नहीं रहे, उनके आंसर ना देखें पीछे जाके आप, बल्कि उस पॉइंट को, उस टॉपिक को नोट करें, उस टॉपिक पे काम करें, अपने आप को स्ट्रांग करें, और हर एक दिन जब टेस्ट दोगे आप ना, आप उसी गैप पे काम करते जाओगे, और पूरा टेस्ट सीरीज जब कंप्लीट कर लोगे आप ना, तो आपके सारे गैप्स फिल हो चुके होंगे और आप एक एज अ रैंकर इंप्रूव होकर बाहर निकल चुके होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? आपको पढ़ना नहीं है, उस पर अपने मिस्टेक्स पे काम भी करना है, और वो साथ साथ काम करते जाओगे तो आपको ईजी होगा, बाद में वो पाइलअप हो जाता है चीज़ें। नोट करके छोड़ मत देना, नोट करके सेम डे पढ़ लेना, उसको सॉल्व कर लेना बैठ के, आधा एक घंटा दो घंटा देकर उसको कर लेना, ताकि आपके डेली इंप्रूवमेंट दिखे आपके अंदर। ये ना हो कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो और जो क्वेश्चन टॉपिक फंस रहा है उसको नोट करके रख ले रहे हो, उसको 5 दिन बाद पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। उसको सेम डे पढ़ना है, उसको नोट कर लो, आपको उस समय समय नहीं है, एक घंटा दो घंटा बाद पढ़ लेना उसको आप, लेकिन पढ़ना सेम डे है उसको, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया टेस्ट सीरीज पे। कोशिश करूँगा होप करूँगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही काम करे, और जैसा बताया मैंने अगर वैसा आप उतार पाते हो और वो कुछ वर्क कर पाता है आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो मुझे खुशी होगी इस बात से। बाकी आप इंडिपेंडेंट हो, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे वाला पैटर्न ही फॉलो करो, आप अपने हिसाब से देख लो कि किस तरह से कर सकते हो, और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपनी एफिशिएंसी को, और मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपने मार्क्स को, ठीक है। बाकी ये जो आप देख रहे हो मेरा वेशभूषा पूरा, मैं गांव में आया हूँ, और मैंने अपने मुंडन हुआ, बाल मैंने त्याग दिया है, तो इस वजह से मैंने ये गमछी को बांधा हुआ सिर पे, ताकि गंजा ना दिखूं, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोग जो क्वेरीज अपनी पोस्ट करना चाहते हैं मुझे, और मुझे पिंग करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं आप, मेरी इंस्टा आईडी मेरी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।